साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पुलवामा में आतंकी हमला के खिलाफ पूरे भारत देश में उबाल का माहौल है, ऐसे में हमारे दुकानदार लोग भी इस पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि यहाँ पर जहाँ किसान, नौजवान, स्त्रियाँ, माताएं, बहनें अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं पर हमारे दुकानदार भाई भी इसमें कहीं से भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपने तमाम दुकान और रोजगार को बंद करके ये दिखा दिया है कि कहीं से भी हमारे देश और दुनिया के लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। रुपया, पैसा, धर्म, जायदाद, हम सब एक हो जाते हैं जब कोई विदेशी ताकतें या फिर कोई देश का ही गद्दार जब हमारे देश के खिलाफ साजिश रचता है या फिर हमारे वीर सेनाओं के साथ कोई भी जुल्म का काम करता है। ऐसे में हमारे देश के दुकानदार भी आज अपना बड़ा योगदान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी रोजी रोटी को दरकिनार कर देश के लिए अपनी आवाज़ बुलंद किया है और खुद को देश के साथ खड़े होने का मौका दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक हर मार्केट बंद है। जैसा कि अभी हम पटना के अतमल गोला स्टेशन पर के तमाम मार्केट्स को देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 दुकान है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दुकान शायद मेडिकल का होगा। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप देख सकते हैं तमाम जरूरत की चीजें खुली हुई है, परंतु देश के सामने जो आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान प्रायोजित हुआ है उसके खिलाफ तमाम दुकानदार भाइयों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और इन्होंने इसके खिलाफ पाकिस्तान के कायराना हरकतों के खिलाफ अपना रोजगार को दरकिनार कर देश के सामने अपना जज्बा दिखाया है। हम बात करेंगे एक एक करके तमाम दुकानदारों से। कोई दुकानदार है यहाँ पे? कोई दुकानदार है? आप दुकानदार हैं? आपने क्यों दुकान बंद किया है? आपने अपना दुकान क्यों बंद किया है? मेरा वीर जवान शहीद हो गया, इसलिए अपना दुकान बंद किया है। हाँ? एक नहीं, 40-44 जवान शहीद हो चुके हैं देश में, इसलिए हमने दुकान बंद किया है। हमको खून के बदला खून चाहिए। अच्छा, आप पीएम नरेंद्र मोदी से बोल रहे हैं कि हमें खून का बदला खून चाहिए? जैसा कि उन्होंने वादा किया था, एक सिर के बदले 10 सिर, यानी कि 45 सिर के बदले आपको 450 सिर चाहिए। और कोई दुकानदार भाई हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, जल्दी जल्दी अपनी बातें रखें। जो मेरे 44 जवान शहीद हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए, उसके बदले मैं अथमन गोला दुकानदार भाइयों से बंद करा के रोष प्रकट किए हैं। और रोष में प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूं कि जितने भी पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उसको नष्ट नाबूद कर दे, ताकि दूसरा आतंकवादी फिर से पनप न सके और मेरे वीर सपूतों को दूसरा इस तरह सोने का मौका नहीं मिले। और कौन है? अब क्या जानना चाहते हैं? बोलो बोलो कि हम भी दुखी हैं। आपने ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई उसके बाद आपने तमाम तरह से दुकानदार, जो भी आपका प्रसाधन था उसको आपने बंद करने का काम किया है, तो मतलब आप क्या प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? खून का बदला खून चाहिए, हमें बदला चाहिए। बदला चाहिए? आपको क्या चाहिए? बदला चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले तौर पर पाकिस्तान को खुले तौर पर चुनौती दे दी है, और अब हमारे सैनिक की जो लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई होगी, और हम सभी खुश होंगे जब हम ये 45 सिर के बदले 450 नहीं 4,500 सीट चाहिए और खून के बदले खून की नदियां बहनी चाहिए। तब हम एक कोचिंग संचालक हैं, आज कोचिंग संचालन बंद करके हम इसका विरोध, इनका पाकिस्तान सो संवेदना प्रकट करते हुए और संध्या में कैंडल मार्च भी हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने देखा है यहाँ पर ना सिर्फ कोई दुकानदार संघ के लोग हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और छोटे छोटे बच्चे। आप देख सकते हैं कैमरे पर छोटे छोटे बच्चे भी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देखिए एक एक करके तमाम दुकानदार भाई यहाँ पे
ये स्टेशन का जगह है जहाँ पर अभी तक दुकानें गुलजार रहती थी, तमाम लोगों की आवाजाही बंद है, काम धंधा सब ठप है, जो भी है सब लोग जहाँ का तहाँ खड़े हैं, अपना काम रोक के देश हित में ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।